Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि केला अमृत के समान कैसे है। जो लोगों का ये मानना है कि केला खाने से अकेला फैट बढ़ता है या एनर्जी बढ़ती है, ये तो सही है कि फैट तो बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन इसको किस बीमारी में कैसे खाया जाए, ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अकेला ये फैट ही नहीं बढ़ाता, ये वेट को लूज भी करता है, लेकिन इसको खाने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए इसे ज़रूर केले को खाना चाहिए अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। लेकिन इसे खाने का तरीका हर बीमारी में अलग अलग है, कोई फैट में, कोई इनडाइजेस्टिव सिस्टम में। तो कैसे खाना है तो अपने बात करते हैं, केले को कैसे खाएं। जो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है या फिर छोटी छोटी चीज़ की बहुत टेंशन हो जाती है, तो उनको दिन में एक बार केले पर शहद लगा कर खाने से टेंशन दूर होती है, माइंड यानी मूड जो है वो भी बेहतर होता है। अब बात करते हैं वेट को लूज करने में। जी हाँ, ये वेट को लूज करने में भी कारगर है, लेकिन इसे खाना कैसे है, आपने पानी पी लेना है गुनगुना, उसके 10 मिनट के बाद आपने एक केला खा लेना है। ऐसे खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट न होकर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अगर आप 10 मिनट पहले गुनगुना पानी पीते हैं फिर केला खाते हैं। इसके बाद बात करें डाइजेस्ट सिस्टम की। जिनका भी डाइजेस्ट सिस्टम वीक है तो उनको केले के ऊपर, यानी जो केला होता है उसके ऊपर काला नमक लगाकर खाने से डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम, जिनको भी डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है वो ठीक हो जाता है, यानी कि बेहतर होता है। जिनको खाना खाने के बाद खाना वापस आता है उनको हमेशा ही एक केला एक दिन में काला नमक लगाकर जरूर खाना चाहिए। इसके बाद बात करें हार्ट प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज की, तो उनको दलिया होता है या फिर ओट्स होते हैं उसके साथ भी वो केला खाएं तो उनकी डायबिटीज और जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहती है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, हार्ट पेशेंट तो नॉर्मल केला खा सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक है वो पका हुआ केला खाने की बजाय जो कच्चा केला यानी थोड़ा ग्रीन आता है, ग्रीन वाला केला ही प्रेफर करें। इसके बाद बात करते हैं सर्दी जुकाम की। जिनको भी सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है या फिर सर्दी जुकाम हो चुका है, जिनकी भी यानी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक है, उन्हें केले पर काली मिर्च लगाकर खाना चाहिए, इससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसके बाद बात करते हैं लूज मोशन की। जिनको भी लूज मोशन हो चुका है उन्हें केले के साथ दही खानी चाहिए, इससे लूज मोशन ठीक होते हैं, पेट की सभी तकलीफ दूर होती है। आप चाहें तो केले का रायता बनाकर भी खा सकते हैं। इसके बाद हाँ, अब बात करते हैं वेट गेन की। तो वेट गेन में आपने इसे कैसे खाना है, आपने गुनगुना दूध पीना है और उसके 10 मिनट के बाद केला खा लेना है। ऐसे खाने से वेट गेन होता है, जैसे पानी पीने के बाद गुनगुना, 10 मिनट के बाद केला खाते हैं तो वेट लूज होता है उसी अकॉर्डिंग से। अब बात करें इसकी दालचीनी के साथ केले की। तो दालचीनी के साथ जिनको भी नींद बहुत कम आती है या फिर नर्व सिस्टम सही नहीं है, मतलब इंसान हमेशा नर्व सिस्टम से परेशान रहता है, नींद अच्छी नहीं आती, सिर दर्द होता रहता है, तो उनको दालचीनी केले के साथ दालचीनी को लगाकर खाना चाहिए। ऐसे खाने से नींद अच्छी आती है, नर्व सिस्टम भी बेहतर होता है। ये थी इन्फॉर्मेशन, केले को अलग अलग तरीके से खाकर आप कैसे उसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेम टाइम यानी कि सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।